टेक प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बहुत ही आसान होगा। इसके दो कंपोनेंट्स चाहिए मेन, एक ये तांबे का रोल है मेरे पास, ये आप मैंने इसको ट्रांसफार्मर में से निकाला है, ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा निकल गया, पूरा रोल भर गया। और ये नेल चाहिए आपको, ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूज़ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा तांबा निकाल लिया हुआ है इस रोल में से, और अब करना क्या है, इसके ऊपर हमने इस तांबे को लपेट देना, इस तरह आपने उसके ऊपर लपेटना है, गोल गोल घुमाते रहना। और अब मैं इसको लपेट के आपसे मिलता हूँ। अब इसको हमने चलाना है, तो चलाने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट बैटरी। अगर आप तांबे की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो आपको वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए इतना काफ़ी है 12 वोल्ट बैटरी के लिए। वैसे आप देख सकते हैं ये जो तारे हैं ये दोनों 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो अब हम इससे कनेक्ट करते हैं। मैं कनेक्ट करने लगा, पॉजिटिव नेगेटिव का इतना कोई मसला नहीं है। वैसे तांबा जो है गर्म हो रहा है, अब इसे हम टेस्ट करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ट्रांसफार्मर के अंदर लोहे के पीसीज होते हैं, जिस तरह ये एफ हैं और ई भी होते हैं काफ़ी डिफरेंट ट्रांसफार्मर में, तो मैं ये ले रहा हूँ जो मैंने जिस ट्रांसफार्मर से मैंने ये तांबा निकाला है उसी से मैंने ये लोहे के पीसीज भी निकाले। तो इनको हम यूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो वैसे आप चेक करते हैं कि ये अब इससे चिपकते हैं कहीं, ये आप देख सकते हैं कि चिपक रहे हैं। ये एक वक्त में एक ही शेप पकड़ेगा, देखते हैं कि ये ज़्यादा पकड़ सकता है नहीं। गल ये एक दफ़ा में एक ही पकड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये दो को नहीं पकड़ता, सिर्फ एक को पकड़ता है एक वक्त में। गाइस यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तो कमेंट सेक्शन में भी बता दो जो आपकी राय है मैं इस चीज़ की वीडियो बनाऊँ।